हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है यासिर। आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आवर क्रिकेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिव्यू करने वाला हूँ पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच। जो मुंबई इंडियंस के लिए मेरे हिसाब से मस्ट विन मुकाबला था, वो मुकाबला मुंबई इंडियंस हार चुकी है। खेले एंड तक लड़े, बट एंड में पंजाब किंग्स की जीत हुई इस मैच में। तो क्या रहा पूरा मैच का हालचाल, किसने कितने रन, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो लेट्स गो। तो मैच की शुरुआत होती है टॉस से। तो टॉस जीतती है मुंबई इंडियंस और बॉलिंग करने का फैसला जो हर टीम आज कल कर रही है। तो इसमें पहले पंजाब को कहा जाता है आप पहले बैटिंग करके, तो और बैटिंग करने में शिखर धवन और मयंक अग्रवाल धो के रख देते हैं उनके बॉलर्स को। मयंक अग्रवाल ने 52 रन बनाए 32 बॉल्स में, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के मारे हैं। और धवन ने दूसरी तरफ 70 रन बनाए हैं 50 बॉलों में, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के थे। फिर बाकी बल्लेबाज ने उतना कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। बेस्टो 12 रन पे गए 13 बॉल खेल के, लिविंगस्टन 2 रन बना के गए हैं 3 गेंद खेल के। तो फिर उसके बाद जितेश शर्मा ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, बहुत बढ़िया, मतलब एक मोमेंटम से टूट गया था पंजाब किंग्स के लिए आउट होने के बाद। लिविंगस्टन और बेस्टो और मयंक अग्रवाल सब के आउट होने के बाद, तो उस मोमेंटम को वापस लेके आए हैं जितेश शर्मा। 30 रन बनाए उन्होंने 15 गेंदों में, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी उन्होंने। शाहरुख खान ने एक छोटी 6 गेंद की 15 रन की पारी खेली, लेकिन मेरे हिसाब से मैच के लिए काफ़ी इफेक्टिव पारी वो रही है। और उडीन स्मिथ ने सिर्फ 1 रन बनाया 1 बॉल पर। सो ये था पूरा हालचाल। और बॉलिंग में अगर देखा जाए, सबसे सफल गेंदबाज जो रहे हैं वो है बेसल थम्पी, क्योंकि उन्होंने 2 विकेट लिए। इकोनॉमी लेकिन उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई, इकोनॉमी इनकी 47 रन इन्होंने दिए 4 ओवर में अपने। और अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें, सबसे सफल गेंदबाज अपने जसप्रीत बूम बूम रहा है, जिन्होंने 4 ओवर मात्र 28 रन देके 1 विकेट भी उन्होंने लिया है। फिर मुंबई को अब जीत के लिए बनाने थे 199 रन 20 ओवर में। उनकी तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा और ईशान किशन, और दोनों ही ज़्यादा कुछ बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाया। रोहित शर्मा ने 28 रन बनाए हैं 17 गेंदों में, और ईशान किशन काफ़ी जल्दी चले गए, 3 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 6 गेंद वो खेल के गए। फिर डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक काफ़ी तगड़ी पारी खेली है, वो ओवर याद आता है राहुल चहर के ओवर में, उन्होंने 4 छक्के लगातार मार दिए थे एक ओवर में, 29 रन बने थे उस ओवर में। और वहाँ से मोमेंटम मुंबई की तरफ शिफ्ट हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद ब्रेविस के आउट होने के बाद तिलक वर्मा अच्छा खेल रहे थे, उनके आउट होने के बाद सिर्फ सूर्य कुमार और पोलार्ड आए, और पोलार्ड भी उनका ये सीज़न हर बार की तरह ये सीज़न में इस मैच में भी वो फ्लॉप रहे। उन्होंने सिर्फ 10 रन बनाया 11 गेंद खेली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 चौका बनाया। तो ये सीज़न पोलार्ड के लिए उतना खास नहीं जा रहा है। तो सूर्य कुमार यादव एंड तक लड़े टीम के लिए, जब तक सूर्य कुमार थे तब तक मुंबई के लिए जान थी मैच में, लेकिन फिर उसके बाद आखिरी ओवर में 22 रन रह जाते हैं, जो कि सूर्य कुमार होते तो बन सकते थे, बट वो भी बहुत मुश्किल थे लेकिन बन सकते थे। लेकिन उसके बाद जयदेव उनटकर मुरुगन अश्विन थे, तो वो उनके बल्ले से पहली बॉल पे जयदेव उनटकर ने छक्का मार दिया, लेकिन उसके बाद मैच लेकिन पंजाब किंग्स जीत गई है 12 रन से। और दोस्तों, इस मैच के जो बेस्ट प्लेयर रहे हैं वो रहे हैं दोस्तों मयंक अग्रवाल। उन्होंने 52 रन बनाए 32 गेंदों में। इस मैच से पहले उनका भी बल्ला एकदम शांत था, कुछ खास अच्छा सीज़न नहीं जा रहा था उनका, लेकिन इस मैच के बाद उन्होंने अपना फॉर्म में वापस आ गए हैं इस मैच के बाद से। तो ये था इस मैच का पूरा लेखा जोखा कि किसने कितने रन बनाए, सब कुछ मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिया। छोटी सी हाईलाइट वीडियो थी टाइप की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो दोस्तों में, और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी और वीडियोज़ चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप मिलते हैं अगली वीडियो में।